हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आइए आइए, आपको हम करंट अफेयर दे रहे हैं, अपने हाथ से खुद लिखे हैं। NTPC, BRSI और ग्रुप डी प्लस वन विभाग पूछ रहा है क्वेश्चन, वुहान से फैलने वाला कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का नाम क्या था? कोविड 19। वैज्ञानिक ने वुहान शहर से फैलने वाला कोरोना वायरस का नाम क्या दिया था? सार्स कोविड 2 ने। कोविड 19 को किसने महामारी घोषित किया था? WHO, उसका फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कोरोना वायरस के कारण भारत ने किस दिन जनता के कर्फ्यू लगाया था? तो 22 मार्च 2020 को, जो नरेंद्र मोदी ने दिए थे। कोरोना वायरस के कारण भारत के किस राज्य में पूर्ण रूप से कर्फ्यू लगाया गया था? पंजाब में लॉकडाउन असफल रहने के कारण पूर्ण रूप से कर्फ्यू लगाया गया था। कोरोना वायरस के कारण भारत 6 नंबर क्वेश्चन, कोरोना वायरस के कारण भारत के किस राज्य में सबसे पहला लॉकडाउन लागू किया गया था? ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। तो राजस्थान में। कोविड 19 मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ा में। कोरोना वायरस कोविड 19 के टेस्ट का क्या नाम है? आरटीपीसीआर। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई, जो कि कहाँ तक फैला था? पूरा विश्व में फैला था। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोविड 19 का फुल फॉर्म क्या है? कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? हरियाणा। भारत ने सार्स कोविड 19 इमरजेंसी फंड की कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है? $10 मिलियन। इंस्टाग्राम ने अपने यूजर्स को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए कौन सा नया फीचर लॉन्च किया? इंस्टाग्राम फीड। व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स को अपने कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए कौन सा नया फीचर लॉन्च किया? व्हाट्सएप चैट बोर्ड। फेसबुक ने अपने यूजर्स को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए कौन सा नया फीचर लॉन्च किया था? तो कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर। फिर से रिपीट कर रहे हैं, उम्मीद है याद हो। वुहान से फैलने वाला कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का नाम क्या था? कोविड 19। वैज्ञानिक ने वुहान शहर से फैलने वाला कोरोना वायरस का नाम क्या दिया था? सार्स कोविड 2 ने। कोविड 19 को कितने महामारी घोषित किया था? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कोरोना वायरस के कारण भारत में किस दिन जनता कर्फ्यू लगाया गया था? 22 मार्च 2020 को, जो नरेंद्र मोदी अपील किए थे। कोरोना वायरस के कारण भारत में किस राज्य में पूर्ण रूप से कर्फ्यू लगाया गया था? तो पंजाब में लॉकडाउन असफल रहने के कारण पूर्ण रूप से कर्फ्यू लगाया गया था। कोरोना वायरस के कारण भारत के किस राज्य में सबसे पहले लॉकडाउन लागू किया गया था? राजस्थान में। कोविड 19 को शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ों को। कोविड 19 मानव शरीर को किस अंग को प्रभावित करता था? फेफड़ों को। कोरोना वायरस कोविड 19 को टेस्ट का क्या नाम था? RT-PCR। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी, जो कहाँ तक फैला हुआ था? तो पूरा विश्व में। कोविड 19 को फुल फॉर्म क्या था? कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? हरियाणा। भारत में सार्स कोविड 19 इमरजेंसी फंड कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है? $10 मिलियन। इंस्टाग्राम अपने यूजर्स को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए नया फीचर लॉन्च किया था? इंस्टाग्राम फीड। व्हाट्सएप अपने यूजर्स को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए कौन सा नया
फीचर लॉन्च किया जाता है। व्हाट्सएप चैट बोर्ड, फेसबुक अपने यूजर्स को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए कौन सा नया फीचर लॉन्च किया था, तो कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे अच्छा और करंट भी ला सकते हैं। जितना अच्छा लाइक व्यूज और सब्सक्राइब मिलेगा तो आपको हम करंट इससे अच्छा डेली करंट देंगे। सब्सक्राइब शेयर और लाइक कर दीजिए।